इंदौर शहर में कोरोना महामारी के बीच शहर में चोरी और लूट की घटनाओं का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां हथियारबंद बदमाश 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा की है, जहां दीपक कटवाने की जॉनसन आइसक्रीम नाम की फैक्ट्री है। सुबह वह फैक्ट्री में बैठे थे, इस दौरान 2 बदमाश हथियार सहित आए और 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। फैक्ट्री के मैनेजर के अनुसार आरोपी फैक्ट्री के जानकार है और उन्होंने CCTV कैमरे भी बंद कर दिए थे। सर बताएं क्या था? ये MR4 स्थित हमारी भागीरथपुरे पे आइसक्रीम की फैक्ट्री है, जो ये यहाँ पर गत रात चोरी हुई है और कैश वगैरह कुछ गया है यहाँ से, और बाकी रिपोर्ट वगैरह कर दी है और पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ CCTV लगे क्या? CCTV फुटेज वगैरह भी है, CCTV में कैमरे में भी वगैरह कैमरे वगैरह भी हैं, तो वो जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं उसके अंदर। कितनी नकद राशि गई है? नगद राशि लगभग वो जिनके साथ में जो घटना हुई है वो अभी है नहीं, तो जो सही जानकारी है तो वही दे पाएंगे। CCTV फुटेज में देखने में क्या सामने आया, क्या चोर नजर आ रहे हैं CCTV फुटेज में आपकी? नहीं, अभी तो वैसे नहीं आए हैं, लेकिन वो उनकी जांच अधिकारी अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं। क्या कोई जानकार व्यक्ति होगा फैक्ट्री को जानता होगा? हाँ, ये तो कोई ना कोई जानकार व्यक्ति है जिसके द्वारा ये सब चीज़ें घटना घटित की गई है। आपका नाम बता दीजिए। रोशन खटवानी। फिलहाल देखना होगा पुलिस कब तक लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।